सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट को पढ़ा दिया है। दोस्तों, आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट हमारे सभी वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे भी आपको सभी सब्जेक्ट के दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर हमने हर सब्जेक्ट के बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी क्वेश्चंस को पढ़ाया है। तो दोस्तों, यहां पर हम बात करने वाले हैं आपके विज्ञान सब्जेक्ट की। तो दोस्तों देखिए, साइंस में आपके सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है टच मी नॉट। टच मी नॉट कहते हैं किस पौधे को, हम टच मी नॉट इंग्लिश में कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन है नागफनी को, गुलाब को, छुई मुई को या फिर इन सभी को। दोस्तों करेक्ट आंसर है छुई मुई का पौधा, और आप सभी लोगों में से, आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने इस पौधे को छूकर देखा भी होगा। छुई मुई, जैसे ही आप इसको छूते हैं वो क्या होता है, वो पौधा सिकुड़ जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर दो है, नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है। दोस्तों तो नारियल तथा कमल में जो प्रकीर्णन होता है वो होता है जल प्रकीर्णन। इसके बाद प्रश्न नंबर तीन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं, ऑप्शंस हैं यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ये सभी, चाहे वह यकृत हो, अग्नाशय हो, लार ग्रंथियां हो, ये सब क्या है, सभी पाचक ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में। इसके बाद प्रश्न नंबर चार है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों जो इंसुलिन हार्मोन है इसकी कमी से मुख्य रूप से क्या होता है, आप सभी लोग जानते भी होंगे कि इससे क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। जिसको इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है शरीर में, उसको मधुमेह या फिर डायबिटीज की दिक्कत या शुगर पेशेंट जिसको हम बोलते हैं, वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर दस जो है मधुमेह की, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर पांच हम लोग देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि या मधुमेह। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, यकृत शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। प्रश्न नंबर छह है, पित्त रस का निर्माण करता है, ऑप्शन बहुत सही से पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ पर बात हो रहा है पित्त रस का निर्माण करता है, कौन करता है, यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, यहाँ इसकी बात नहीं हो रही है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है इसकी बात हो रही है। तो ऑप्शन देखिए, पित्ताशय, यकृत, हृदय या फिर बड़ी आंत। दोस्तों पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में, ऑप्शन नंबर बार जो है आपका वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर सात है, मानव दांतों के प्रकार हैं। दोस्तों मानव दांत कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शंस हैं कृंतक, रदनक, प्रवर्ण, प्रचरवर्ण या फिर चवर्ण। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सभी क्या हैं, मानव दांतों के प्रमुख प्रकार हैं। प्रश्न नंबर आठ है, दांतों की कठोरता किसके कारण होती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्शियम, इनेमल, आयरन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है, इनेमल। इसके कारण क्या होते हैं, दांत हमारे बहुत ही कठोर होते हैं। प्रश्न नंबर नौ है, अग्नाशय की लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं किसका श्रावण करती हैं। तो ऑप्शन है इंसुलिन, पित्तरस, अग्नाशय रस या इन सभी का। तो करेक्ट आंसर है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर आ। प्रश्न नंबर दस है दोस्तों, अपेंडिक्स कृमि रूप परसेसिका जो की बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इसमें सेलुलोज का पाचन होता है, यह है। ऑप्शन है अवशेषी अंग, समरूप अंग, जन्मजात अंग या ये सभी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अवशोषी अंग या अवशेषी अंग। यहाँ पर दोस्तों अवशेषी अंग जो है ये क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 11 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। दोस्तों जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो किसी कारण होती है, ऑप्शन है जड़ द्वारा, तनों द्वारा, स्टेमेटा, पर्णरंध्र द्वारा या फिर इन सभी द्वारा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टोमेटा के द्वारा या पर्णरंध्र के द्वारा। अब प्रश्न नंबर 12 है, लाइकेन है, ऑप्शन है परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सहजीवी, ऑप्शन नंबर बार जो है सहजीवी, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 13 है, परजीवी पौधा है, ऑप्शन है अमरबेल, चंदन, रेफ्लिसिया या फिर ये सभी। दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ये सभी, क्या कैसे जीव है, परजीवी पौधे हैं, जैसे अमरबेल, चंदन और रेफ्लिसिया। अब प्रश्न नंबर 14 है, कीट बच्छी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। अब कीट बच्छी कौन कौन से हैं,
दोस्तों, मैं पहले भी कई बार क्वेश्चंस में रिपीट कर चुकी हूँ कि कौन कौन से पौधे कीट बच्छी हैं, ड्रोसेरा, नेफेंथिस, यूट्रिकुलेरिया। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, तीनों ही क्या है, कीट बच्छी पौधे हैं, इसीलिए ये सभी जो है ऑप्शन वो क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर द। प्रश्न नंबर 15, जलीय कीट बच्छी पौधा है, ऑप्शन है ड्रोसेरा, नेफेंथिस, यूट्रिकुलेरिया या ये सभी। दोस्तों जो यूट्रिकुलेरिया है ये जलीय पौधा है, जलीय कीट बच्छी पौधा है यूट्रिकुलेरिया। अब प्रश्न नंबर 16 है, एक बीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं। अब एक बीजपत्री पौधों की क्या क्या विशेषताएं, चलिए ऑप्शन देखते हैं। इनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, बीजों में केवल एक बीजपत्र मक्का, धान, गेहूं पाया जाता है, आ व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं इनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, इसके अलावा इनमें केवल एक बीजपत्र जैसे मक्का, धान, गेहूं पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सा, आ और बा दोनों, ये क्या है इनकी विशेषताएं हैं। अब प्रश्न नंबर 17 है, द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं क्या हैं। तो ऑप्शंस देखिए, इनकी पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है, बीजों में दो बीजपत्र जैसे दो दाल, चना, मटर, सरसों पाया जाता है। तो दोस्तों ये दोनों ही क्या है इनकी विशेषताएं हैं, आ और बा, तो ऑप्शन नंबर सा इसीलिए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कौन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जंतु, पौधे, कवक या विषाणु। तो करेक्ट आंसर क्या है, पौधे, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। अब प्रश्न नंबर 19 दोस्तों, मत्स्य मछली में अनुकूलन है, ऑप्शन है ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं, इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है, या स, आ और बा दोनों, या द इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, स ऑप्शन, ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं और इनके शरीर का आकार क्या होता है, नाव के आकार का होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है, ऑप्शंस हैं रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, जल संचयन या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन। अब प्रश्न नंबर 21 है, पत्तियों का रंग हरा होता है, ऑप्शन है सेल्यूलेज के कारण, पर्ड हरिम क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण या ये सभी। दोस्तों तो किसके कारण हरे होते हैं पत्तियों का रंग, किसके कारण ग्रीन होता है, क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन नंबर बा जो है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ऑप्शन है पौधों में, जंतुओं में, कवकों में या विषाणुओं में। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, पौधों में। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, ऑप्शन है मंड, स्टार्च, स्टार्च, ऑक्सीजन, आ व बा दोनों या सूर्य का प्रकाश। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद होता है वो स्टार्च होता है और ऑक्सीजन होता है, तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वो है आ और बा दोनों। प्रश्न नंबर 24 है, मानव श्वसन करता है, ऑप्शन है नाक द्वारा, फेफड़ों द्वारा, गलफड़ों द्वारा या ये सभी। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों, फेफड़ों के द्वारा। अब प्रश्न नंबर 25 है, पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, पौधे श्वसन क्रिया में लेते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर आ जो है बिल्कुल सही है। और यहाँ पर अगर मानव लिखा होता तो मानव श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, तो मानव क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 26 है, मरुस्थलीय पौधे नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं, ऑप्शन है कांटों में, तनों में, जड़ों में या इन सभी में। तो किसमें रूपांतरित होती है, कांटों में, ऑप्शन नंबर आ जो है आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 27 दोस्तों देखेंगे, मेंढक है, मेंढक क्या है, जलचर, थलचर, नभचर या उभयचर। दोस्तों मेंढक जो होता है वो उभयचर होता है, वो जल और थल दोनों में रहता है, ऐसे प्राणियों को हम क्या कहते हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं, उभयचर प्राणी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द। अब प्रश्न नंबर 28 दोस्तों, चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी है, ऑप्शन है 7, 3, 14 या 13। तो करेक्ट आंसर है 14, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं। प्रश्न नंबर 29 दोस्तों, कंडरा जोड़ती है, ऑप्शन है हड्डियों को हड्डियों से, पेशियों को पेशियों से, तंत्रिका तंत्र को पेशी से या पेशियों को हड्डी से। तो करेक्ट आंसर है पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है कंडरा, तो करेक्ट आंसर द है। अब प्रश्न नंबर 30 है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। दोस्तों तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसको हम कहते हैं स्टेपीज, ऑप्शन नंबर आ जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों करेक्ट आंसर है कान की हड्डी जिसे हम स्टेपीज कहते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आ। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ, तो आप लोग आंसर को देख के प्लीज मत पढ़ा करिए, आप लोग यहाँ पर जो मैं आंसर बता रही हूँ उस पर ध्यान दिया करिए। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत होते हैं और आप एग्जाम में गलत पढ़कर ही चले जाते हैं, तो दोस्तों प्लीज
आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को दोस्तों सही नॉलेज पहुंच जाए, जिससे आप सभी लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आए। अब प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है अपूर्णता रोग, कैंसर, टीबी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है अपूर्णता रोग। प्रश्न नंबर 32 है, एक गज बराबर होता है? ऑप्शन है 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट, 2 फुट। तो करेक्ट आंसर है 3 फुट। एक गज किसके बराबर होता है? 3 फुट के बराबर होता है। अब प्रश्न नंबर 33 है, भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों की को भूमि में क्या करती है? स्थिर रखती है। तो कौन रखता है ऐसा काम? कौन करता है? जड़ की तना, पत्ती या फिर ये सभी? तो दोस्तों जड़ का काम है जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना और पौधे को भूमि में स्थिर रखना। तो ऑप्शन नंबर आ जो है बिल्कुल सही है। अब प्रश्न नंबर 34 है, जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोयम, कैम्बियम या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो देखिए जो जाइलम होता है वो ज से जल और ज से जाइलम। तो दोस्तों जो जाइलम होता है वो जल और खनिज लवणों का संवहन करता है किसी भी पौधे में। और फ्लोयम का क्या काम होता है? फ्लोयम खाने, फ्लोयम का संबंध फा से फ्लोयम, फा से फूड, यानी कि जो पौधों का खाना होता है वो खाने का संवहन कौन करता है? फ्लोयम। और जल और खनिज का संवहन कौन करता है? जाइलम। तो ऑप्शन नंबर आ जो है वो बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो मैंने अभी आपको बताया, जाइलम से जल और खनिज लवण और फ्लोयम से फूड या फिर खाना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इजी याद करना है इसको। अब प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। दोस्तों देखिए भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? तो दोस्तों देखिए ऑप्शन है जाइलम, फ्लोयम, कैम्बियम या ये सभी। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि जल और खनिज लवणों का अवशोषण कौन करता है, संवहन कौन करता है? जाइलम, जल से जल, जैसे जाइलम, और फ्लोयम फूड यानी कि खाना जिसको हम भोज्य पदार्थ कहते हैं, तो इनका संवहन फ्लोयम करता है। ऑप्शन नंबर बा जो है बिल्कुल सही है। अभी प्रश्न नंबर 36 है, वर्ण प्रदान जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है पाया जाता है? ऑप्शन है मटर, सरसों, नीम, मक्का। तो करेक्ट आंसर है मटर। प्रश्न नंबर 37 दोस्तों, वे पदार्थ जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं? ऑप्शन है जीरोफाइट, एपीफाइट, हाइड्रोफाइट या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है जीरोफाइट। प्रश्न नंबर 38 दोस्तों, जड़ों के प्रकार हैं? ऑप्शन है मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है मूसला जड़। दोस्तों जड़ों के प्रकार मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सा ऑप्शन, दोनों, यानी कि मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, ये क्या है? जड़ों के प्रकार है। प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है? ऑप्शन है सेल्यूलोज से, काइटिन से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है सेल्यूलोज से। प्रश्न नंबर 40 है, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी? ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, लाइकेन या कवक। विषाणु या वायरस क्या होते हैं? सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी। ऑप्शन नंबर बा जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है? ऑप्शन है आम में, छुई मुई में, नीम में या अदरक में। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बा है छुई मुई में, ये बिल्कुल सही है और 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 42 है, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन है फुंक, हॉपकिंस, लूनिन या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है फुंक ने किया था। प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है? ऑप्शंस हैं पेलाग्रा, अतिसार, बेरी बेरी या घेंघा। तो करेक्ट आंसर है श ऑप्शन, बेरी बेरी। प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों, विटामिन में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है? दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा जो है विटामिन बी और सी वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन है विटामिन ए, डी, ई के, विटामिन बी, सी, विटामिन डी के और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है, तो कौन कौन से नहीं घुलनशील है, यानी कि कौन कौन से अब वसा में घुलनशील है ये हमको बताना है। तो वसा में घुलनशील है ए, डी, ई और के। और प्रश्न नंबर 46 है, स्कर्वी रोग की पहचान है? ऑप्शन है मशूड़ों में से रक्तस्राव, हाथों का फूलना, रुधिर छिड़ता या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है मशूड़ों से रक्त स्राव। इसके बाद प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, मैरिस्मस तथा क्वासिक्योर रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों मैरिस्मस और क्वासिक्योर जो रोग होता है वो होता है प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बा जो है वो बिल्कुल सही है। अब प्रश्न नंबर 48 है, रक्त
दाब मापा जाता है? ऑप्शन है स्फेरोमीटर, अमीनोमीटर, एमीमीटर या स्फिग्नोमैनोमीटर। तो करेक्ट आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर, जिससे हम क्या मापते हैं, रक्त दाब मापते हैं, या जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? दोस्तों सर्वदाता ग्रुप है ओ ग्रुप। ओ क्या है? सर्वदाता है। और ए बी क्या है? सर्वग्राही है। अब प्रश्न नंबर 50 है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? तो दोस्तों ए बी को कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आ। अब प्रश्न नंबर 51 देखेंगे, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है? ऑप्शन है स्टेफिज, फीमर, टिबुला या टिबिया। तो करेक्ट आंसर है फीमर हड्डी। प्रश्न नंबर 52 है, हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ऑप्शन है यकृत, तिल्ली, अग्नाशय या वृक्क। तो करेक्ट आंसर है तिल्ली, ऑप्शन नंबर बा। इसके बाद प्रश्न नंबर 53 है, वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या है? तो ऑप्शन है 206, 207, 208, 201। तो आप में से सभी लोगों को लगभग पता होगा, तो वयस्क मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां, ऑप्शन नंबर आ। प्रश्न नंबर 54 है, एपी कल्चर है? ऑप्शन से दोस्तों मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं हम, एपी कल्चर कहते हैं। प्रश्न नंबर 55 दोस्तों, मानव कपाल में हड्डियों की संख्या है? मानव कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन से 11, 8, 14 या 7। तो करेक्ट आंसर है 8, ऑप्शन नंबर बा। प्रश्न नंबर 56 है दोस्तों, भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण है? ऑप्शन है तर्क रूप, पर्णाव स्तंभ, कच्छ गुच्छ या फिर कुंभी रूप। यहाँ पर दोस्तों कंद गुच्छ और कुंभी रूप। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है कंद गुच्छ, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 57 दोस्तों, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? ब्रायोफिल्म में, वेलिसनेरिया में, अदरक में या सैजिटेरिया में। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ब्रायोफिल्म में। इसके बाद प्रश्न नंबर 58 है, कोड का मात्रक होता है? ऑप्शन है मोल, स्टे, रेडियल या एम्पियर या रेडियन। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों कोड का मात्रक रेडियन होता है, ऑप्शन नंबर द जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 59 है, कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है पेड़ से पत्तों का गिरना, उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना, समतल पर गाड़ी का धकेलना या पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है समतल पर गाड़ी का धकेलना। इसको छोड़कर बाकी सब क्या है, गुरुत्व का एग्जाम्पल है। गुरुत्व का एग्जाम्पल दोस्तों यानी कि कोई भी चीज अगर ऊपर से आप छोड़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर ही आकर वो गिरेगा। अब प्रश्न नंबर 60 है, उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। दोस्तों करेक्ट आंसर है बा ऑप्शन, दो प्रकार की। उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 61 है दोस्तों, वायु है? ऑप्शन से विषमांगी मिश्रण, शुद्ध पदार्थ, यौगिक या समांगी मिश्रण। तो करेक्ट आंसर है विषमांगी मिश्रण। प्रश्न नंबर 62 है, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है? ऑप्शन है खरगोश, चूहा, कछुआ या गाय। तो उभयचर प्राणी की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें कछुआ होगा, ऑप्शन नंबर 7 जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये थल और जल दोनों में रह सकता है। प्रश्न नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? ऑप्शन है धारारेखित शरीर, पंख, गलफड़े या फेफड़ा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर धारारेखित शरीर, पंख, गलफड़े ये तीनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो फेफड़ा है ये तो मनुष्य के लिए सांस लेने के कारण में आता है फेफड़ा, तो यहाँ पर मछली में इसका कोई उपयोग नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है, फेफड़ा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित में से यौगिक है? ऑप्शन है जल, सोना, पीतल या चांदी। तो करेक्ट आंसर दोस्तों जल। इसके बाद प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है? घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि कौन सी है? ऑप्शन है निथारना, वाष्पीकरण, तलछटीकरण या छानना। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, वाष्पीकरण। प्रश्न नंबर 66 है दोस्तों, किस धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है? ऑप्शन से घन मीटर, मीटर, वर्ग मीटर या किलोमीटर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है वर्ग मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 जो है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 67 है दोस्तों, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? ऑप्शन है फेफड़ा, गलफड़ा, त्वचा या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या है, गलफड़ा। प्रश्न नंबर 68 है, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है? ऑप्शन है पेशीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है, पेशीय बल, ऑप्शन नंबर आ। प्रश्न नंबर 69 दोस्तों, चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है? ऑप्शन है बीज चोल, भ्रूण, बीजपत्र या मूलांकुर। तो करेक्ट आंसर है बीज पत्र। प्रश्न नंबर 70 है, मनुष्य के शरीर में
पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? ऑप्शन है 12, 10, 14 या 20। तो करेक्ट आंसर है 12। प्रश्न नंबर 71 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन है 28, 30, 32 या 40। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों 28, ऑप्शन नंबर आ। इसके बाद प्रश्न नंबर 72 है, दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलन प्राणी है? ऑप्शन है चमगादड़, एंटीलोप, यूरोमेट्रिक्स या फिर साइरन। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों एंटीलोप। अब प्रश्न नंबर 73 है दोस्तों, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है? ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, तलछटीकरण या निष्पंदन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अपकेंद्रण, ऑप्शन नंबर ब जो बिल्कुल सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 74 है, सुषुप्त पौधा कहा जाता है? ऑप्शन है जड़ को, बीज को, फूल को या पत्ती को। दोस्तों करेक्ट आंसर है बीज को, ऑप्शन नंबर ब। और प्रश्न नंबर 75 है दोस्तों, 1 फुट बराबर होता है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 26.48 सेंटीमीटर, 28.48 सेंटीमीटर, 29.48 सेंटीमीटर या 30.48 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या है? 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 फुट। तो ये करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर द। प्रश्न नंबर 76 दोस्तों, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? ऑप्शन है पहला नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है तृतीय नियम। इसका एग्जाम्पल है जैसे एक क्रिकेटर जब बैट से बॉल को मारता है, ये इसी के अंतर्गत आता दोस्तों, तृतीय नियम के अंतर्गत, यानी कि किसी भी क्रिया का क्या होगा, प्रतिक्रिया आपको प्राप्त होगी। अब प्रश्न नंबर 77 है, बल की इकाई है? ऑप्शन है अर्ग, डाइन, वॉट या कैलोरी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब ऑप्शन, डाइन। प्रश्न नंबर 78 है, पत्ती का रूपांतरण है? ऑप्शन है पत्र प्रकलिका, शल्ककंद, पर्ण थैली या पर्णिल मूल। तो करेक्ट आंसर है पत्र प्रकलिका। प्रश्न नंबर 79 है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड किस पद्धति से संबंधित है? दोस्तों तो ये सब संबंधित है MKS पद्धति से, ऑप्शन नंबर आ जो है आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 80 है, फल का पेड़ से गिरना एग्जाम्पल है? ऑप्शन है चुंबकीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वीय बल या पेशीय बल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? गुरुत्वीय बल। इसी के कारण सभी चीजें क्या आती हैं, पृथ्वी पर वापस आती हैं उछालने के बाद। अब प्रश्न नंबर 81 है, बालू और लोहे की छिलन को पृथक किया जाता है? ऑप्शन है बीन कर, चुंबकीय पृथककरण द्वारा, फटकार कर या चाल कर। क्वेश्चन नंबर 81 है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन आपके अनुसार सही होगा। फिर इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 82 पर, पत्ती द्वारा जनन होता है? ऑप्शन है अजूबा में, बबूल में, केला में या आम में। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों केला में। इसके बाद प्रश्न नंबर 83 है, उभयचर जंतु है मेंढक, मछली, चिड़िया या कुत्ता। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है मेंढक, ऑप्शन नंबर आ। प्रश्न नंबर 84 है, द्रव्यमान का मात्रक क्या क्या है? ऑप्शन है कुंतल, किलोग्राम, ग्राम, न्यूटन। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों किलोग्राम में हम द्रव्यमान को मापते हैं। अब प्रश्न नंबर 85 है, टांका है? ऑप्शन है जल संचयन की विधि, सिलाई करने की विधि, बांग्लादेश की मुद्रा या प्रदूषण मापने की मुद्रा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सिलाई करने की विधि, ऑप्शन नंबर ब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए और आप उन सभी वीडियोस को देखें दोस्तों, क्योंकि हम अपने चैनल पर आप लोगों को डीएलएड एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। इसके अलावा डीएलएड एग्जाम को आपको कैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपके लेसन प्लान संबंधित सभी फाइलों आपको पूरा कंप्लीट दोस्तों हम लोग यहाँ से इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं डीएलएड से संबंधित। इसके अलावा यूपीटेट और सीटेट की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको हमेशा फायदा होगा और आपको हर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सभी हम आपको पढ़ाते हैं और उन सभी की आपको दोस्तों जानकारी मिलेगी और आप सभी किसी भी प्रकार के एग्जाम में, कोई भी अध्यापक पात्रता परीक्षा होगी, उन सभी में आप अच्छे स्कोर करेंगे। तो दोस्तों प्लीज आप लोग चैनल से जुड़िए और हमारी वीडियोस को देखिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, सभी वीडियोस पर कमेंट किया करिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर किया करिए। दोस्तों वीडियो फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया, तो बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है और सभी सब्जेक्ट के अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी, लघुत्तरी क्वेश्चंस को देख लेना है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।